जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक बहुत ही खास अपडेट अवध विश्वविद्यालय से संबंधित। बीएड और एमएड की बैक पेपर की फॉर्म जो भराई थी उसकी एग्जाम डेट आ गई है कि बैक पेपर कब होगा। बीएड और एमएड चाहे फर्स्ट ईयर की बात करें चाहे सेकेंड ईयर की बात करें, जिन बच्चों ने इस बार बैक पेपर का फॉर्म भरा था उनकी एग्जाम डेट रिलीज कर दी गई है। तो आइए देखते हैं कि आपका बैक पेपर कब है, आपके कौन से सब्जेक्ट का बैक पेपर कब होगा और कब है आपका बैक पेपर। फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित आपके रिजल्ट कब तक आएंगे और जो बच्चों का रेगुलर में एग्जाम देना है उनका एग्जाम कब तक होगा, इससे संबंधित हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं अवध विश्वविद्यालय की ये नोटिफिकेशन जहाँ पे आपकी डेट शीट रिलीज की गई है बीएड और एमएड के बैक पेपर से संबंधित। तो आइए देखते हैं इस बैक पेपर को। यह है हमारा अवध विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट, क्योंकि हमें हमेशा ट्रस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे ही करनी चाहिए। नीचे दोस्तों अगर आप आएंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा एग्जामिनेशन स्कीम की। देखिए यह यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन एग्जामिनेशन स्कीम, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम पे क्लिक करते हैं और क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पहला ही जो नोटिफिकेशन था, आपका जो पहला ही नोटिफिकेशन है दोस्तों वो लिखा है बीएड प्रथम वर्ष 2022 बैक पेपर की परीक्षा कार्यक्रम और एमएड प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पे आपको देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों वर्षों के दिए गए, एक वर्ष के नहीं, प्रथम एवं द्वितीय वर्ष दोनों के दिए गए। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं बीएड के बैक पेपर के नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों आपका यहाँ पे पेज खुल के आ जाता है और यहाँ पे लिखा है कि एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि बीएड पाठ्यक्रम के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2022 की बैक पेपर परीक्षा दिनांक 10/7/2023 को निम्नलिखित परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार संपन्न होगी, यानी कि 10 जुलाई इसी साल 10 जुलाई को आपकी परीक्षा कार्यक्रम घोषित की गई है, 10 तारीख को आपका बैक पेपर एग्जाम होगा। अब आप डिपेंड करता है कि आपने कौन से सब्जेक्ट्स में बैक पेपर भरा है, राइट। तो अगर आपका बैक पेपर दोस्तों फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो कॉमन सब्जेक्ट जैसे नॉलेज एंड करिकुलम, साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, इन तीन कॉमन सब्जेक्ट में है तो आपका बैक पेपर का एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक होगा, ठीक है। 10 तारीख को याद रखिए, 10 तारीख को आपका पेपर है और यहाँ पे सुबह प्रातःकाल में आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा फर्स्ट ईयर की। अगर आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है, चाहे कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, सिविक्स, होम साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, कॉमर्स, मैथ, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, उर्दू, संस्कृत, कोई भी अगर आपका इनमें से एक ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने बैक पेपर भरा है तो वह परीक्षा 2 बजे के बाद होगी, मतलब 2 बजे से लेकर 5 बजे तक होगी, इवनिंग शिफ्ट में होगी। तो ये हो गई बात फर्स्ट ईयर की। सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में 3 ही सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन तीन में जैसे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल स्टडीज, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, एक्सेल रिसर्च, कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन एंड कंसर्न इशू। तो अगर इनमें से अगर किसी एक में आपने बैक पेपर भरा है तो आपका एग्जाम दोस्तों इवनिंग शिफ्ट में होगा। तो सेकेंड ईयर का तो कन्फर्म है कि इवनिंग शिफ्ट में होगा, फर्स्ट ईयर का अगर आपका कॉमन सब्जेक्ट है तो मॉर्निंग शिफ्ट, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो इवनिंग शिफ्ट, यानी कि 10 तारीख के दोनों प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की बैक पेपर परीक्षाएं कराई जाएंगी अवध विश्वविद्यालय की। अब दोस्तों जैसे ही आपका एडमिट कार्ड आएगा उस पर आपका सेंटर लिखा रह जाएगा। मोस्ट प्रॉबली जो बैक पेपर की एग्जाम्स होते हैं वो सभी बच्चों का, जैसे एमएड एंट्रेंस एग्जाम्स के एग्जाम्स अवध यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंतर्गत ही होता है, किसी भवन में हो जाएगा, हो सकता है आईआईटी कैंपस में हो जाए, प्रचार्य भवन में हो जाए, विश्वेश्वरैया भवन में हो जाए, तो किसी एक भवन में होता है लेकिन कैंपस के अंदर ही होता है आपका बैक पेपर का एग्जाम। तो इसीलिए जब एडमिट कार्ड आएगा, जैसे 10 को एग्जाम होना है तो 7 को या 8 को आपको एडमिट कार्ड ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन आपको अपने कॉलेज से लेना है, ठीक है, आपको एडमिट कार्ड अपने कॉलेज से लेना है। तो जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो अभी मत जाइएगा, 7 या 8 के बाद जाइएगा, एक बार कॉल कर लीजिएगा तो आपके कॉलेज में आपका बैक पेपर का एडमिट कार्ड आ जाएगा। वहाँ से एडमिट कार्ड लेके आप एग्ज़ाम पे आधा घंटा पहले पहुँच जाइएगा। अगर 10 बजे से एग्जाम है तो 9:30 बजे पहुँच जाइएगा, अगर 2 बजे एग्जाम है तो 1:30 बजे पहुँच जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। तो दोस्तों ये हो गई बात यहाँ के एग्जाम्स की। अगर बात कर लेते हैं अब इस बैक पेपर के बाद रेगुलर का कब होगा, तो दोस्तों बैक पेपर के बाद अभी बैक पेपर का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद रेगुलर का एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा। तो अभी तक रेगुलर के एग्जामिनेशन फॉर्म की तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे एक नोटिफिकेशन आएगी फिर कम से कम विश्वविद्यालय 15 से 20 दिन का समय देती है आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए, और फिर परीक्षा फॉर्म भरने के बाद कम से कम 1 महीना तो लग जाता है आपके एग्ज़ाम्स होने में। तो अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं है एग्ज़ाम फॉर्म भरने की रेगुलर की अगर हम बात करें तो।
तो कम से कम यूँ समझ लीजिए कि डेढ़ से दो महीने तो पक्के, अभी यहाँ से दो महीने, तो अगर जुलाई चल रहा है तो जुलाई अगस्त, कोई उम्मीद नहीं है कि अगस्त से पहले आपके पेपर हो जाए अगर विश्वविद्यालय अपने पैटर्न पे चलती है तो। अगर जल्दी कराए, सूचना दे के फिर उस पर बात करी जाएगी, तो अभी आपके रेगुलर एग्जाम्स होने में समय लग सकता है। तो यूँ समझ लीजिए कि अगस्त में आपका जो सीटेट का पेपर है उसके बाद की हम उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारे एग्जाम्स की बात। बाकी जैसा भी विश्वविद्यालय से संबंधित अपडेट आता है आपको डेफिनेटली अपडेट किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। चैनल से जुड़े रहिए साथियों, जैसे भी कोई अपडेट आती है आपके बीएड से संबंधित, हर एक छोटी से बड़ी आपको खबर यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस पे हमने चर्चा करी कि आपका बैक पेपर का एग्जाम कब होगा, वो बैक पेपर का एग्जाम दोस्तों 10 जुलाई को होगा, इसी महीने की 10 जुलाई को पेपर होगा और संभवतः अवध विश्वविद्यालय के कैंपस के अंतर्गत ही होगा। जिन बच्चों ने फॉर्म भरा है वो अपने समय समय पर पहुँच जाएंगे। एडमिट कार्ड जैसे वेबसाइट पर आती है आपको बताया जाएगा, वैसे आपको एडमिट कार्ड आपको अपने महाविद्यालय से प्राप्त करना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया चैनल से जुड़े रहने के लिए। अगले वीडियो मैंने जानकारी के साथ, अपना खूब ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।